लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मेरे मित्र तानाजी वनवे जी, हमारे शहर के अध्यक्ष प्रवीण डटके जी और उपस्थित सभी नगर सेवक और भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आज नागपुर शहर के महापौर दयाशंकर तिवारी जी और हमारे कमिश्नर राधा इनको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि ये जो प्रपोजल था स्पाइस जेट का, उसके ऊपर अध्ययन करके उन्होंने उसको तुरंत मंजूरी दी है और उन्हीं के स्वीकृति के कारण आज इसका शुभारंभ हो रहा है। और इसलिए नागपुर की जनता और विदर्भ की भी जनता सबकी ओर से मैं दयाशंकर जी का और राधाकृष्णन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह जो टेस्टिंग होगा, इसका रिपोर्ट आपके टेलीफोन पर आपको मिलने वाला है, तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ये जो 24 घंटे का टाइम है, इसको 12 घंटे में करने के बारे में मैंने उनसे अनुरोध किया है, अजय सिंह जी को, ताकि जल्दी मिल जाए, क्योंकि 3-3 दिन अगर लेट होता है तो जिसको कोविड हुआ है वो और गाँव भर घूमता है और 10 लोगों को खराब करता है। तो ये जल्दी मिलना चाहिए और विशेष रूप से ये लेबोरेटरी का फायदा नागपुर शहर को तो मिलेगा ही, पर मैंने स्पाइस जेट अजय सिंह जी को और महापौर जी को और राधाकृष्णन जी को मेरा एक अनुरोध है कि भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यहाँ कहीं से भी ऐसे जो सैंपल आते हैं वो भी ट्रीट कराइए, ताकि उन गरीब लोगों को भी तुरंत 12 घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगा तो बेचारे तुरंत ट्रीटमेंट कर सकेंगे। जितनी कैपेसिटी उतनी यूज करिए, पहले नागपुर शहर के लिए, फिर उनके लिए भी करिए, क्योंकि ये संकट बहुत बड़ा है और इस संकट में हमें सबको इसका संघर्ष करना और कामयाब भी होना है। मैं अजय सिंह जी को और धन्यवाद दूंगा कि मेरे रिक्वेस्ट पर उन्होंने अभी तक ऑक्सीजन के जो कॉन्सेंट्रेटर थे, जो उसके छोटे मशीन थे, वो भी करीब 5-100 हमारे, हमने 500 वेंटिलेटर्स लाए हैं, अभी आज ही 200 वेंटिलेटर पहुंच रहे रात को, और सब सरकारी अस्पताल को हमने अभी तक 150 वेंटिलेटर फ्री ऑफ चार्ज बांटे हैं, महानगर पालिका को भी 25 दिए हैं, अब आज मैंने विदर्भ के बाकी हॉस्पिटल को भी दे रहे हैं, और ये जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी 1000 2-3 दिन में आएंगे। ये ग्रामीण क्षेत्र में जो सिरोंचा, इटापल्ली, अहेरी जैसे गाँव है, या हमारा देवलाप और पारसिवनी टाइप गाँव है, वहाँ हम उसकी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण लोगों का मृत्यु हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। आपने देखा होगा आज आपके मोबाइल पर कि दिल्ली के गुरुद्वारा ने अपना जो रेलिंग पाइप था उसमें ऑक्सीजन छोड़कर काफ़ी लोग लाइन में के बाहर लेकर ऑक्सीजन ले रहे, ऐसा चित्र हमें देखने के लिए मिला है। तो अलग अलग योजनाएँ चल रही है, मैंने विशेष रूप से CSR में से अभी नागपुर के 5 हॉस्पिटल को ऑक्सीजन प्लांट भी प्रेजेंट करने का निर्णय किया है, जिसमें हवा से ऑक्सीजन तैयार होगा, और मेडिकल मेयो इसके लिए भी WCL ने 15 करोड़ देने के बारे में वो भी अंतिम निर्णय हो रहा है। अभी मैं कलेक्टर ऑफिस में था और हमारा जो ऑक्सीजन आ रहा है वो 200 टन पर डे आए, इसकी जिम्मेदारी अब हमारे ट्रांसपोर्टर पैरे खान जी है जो वहाँ उपस्थित है उनके ऊपर डाली है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड में से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर हम एयरलिफ्ट करके लाए और वो ऑक्सीजन 25 टन उसमें आएगा, उसको भी हमारे यहाँ लाए ताकि ऑक्सीजन से कोई मरे नहीं। हमने 300 ऑक्सीजन के सिलेंडर भी लाए हैं, उसमें से 100 मिले वो भी हमने सिस्टम में दे दिए हैं। इतना ही नहीं तो अभी 3000 सिलेंडर और खरीद रहे हैं जो विदर्भ के सिस्टम में आएंगे, और जो रेमडेसिविर करके जो दवाई है वो बहुत शॉर्टेज चल रहा है, मुझे बहुत खुशी है अभी उसकी बातचीत हो गई और कल या परसों उसका प्रोडक्शन वर्धा में शुरू हो जाएगा। 7 दिन में वो स्टॉक रखना, पहले 15 दिन का था पर 7 दिन उसको रखना पड़ेगा, और आने वाले 10 दिन के अंदर विदर्भ के सब जिले में रेमडेसिविर की कोई शॉर्टेज नहीं रहेगी, पूरा सरप्लस हम उसको सप्लाई कर देंगे और लोगों की जान उससे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, ये भी बात हो गई है। हमें इस संकट में सबकी मदद करनी है, आत्मविश्वास को टिकाना है और हिम्मत के साथ सबकी मदद करके, एक दूसरे की मदद करके हमको आगे जाना है। कठिनाइयां बहुत है,
समस्याएं जटिल है, साधनों की कमी है। हमारे मेडिकल मेयो से लेकर सभी डॉक्टर, हमारा मेडिकल स्टाफ, हमारे पुलिस कर्मचारी, हमारे सफाई कामगार बेचारे रात दिन काम कर रहे हैं अपने जान की जोखिम उठाकर। मैं उनको हाथ जोड़कर, पैर छूकर उनके उनका वंदन करता हूं। उनके एहसान, उनके उपकार हम कभी भूल नहीं सकते। हमारे अधिकारीगण भी रात दिन काम कर रहे हैं और इसलिए सब जनता ने भी सहयोग करना चाहिए। संकट बहुत बड़ा है, ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा थोड़ा जो कोरोना के संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या कम होने के तरह लगी है, फिर भी बताया नहीं जा सकता। इसलिए थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यही हमारे सामने है। ये दूसरी वेव है, तीसरी और चौथी वेव भी आने की संभावना है, दुनिया में आई है, और इसलिए पहले से तीसरी और चौथी वेव के लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी दूर का सोचकर, और वो भी तैयारी हम सब लोग कर रहे हैं। अभी मैं कमिश्नर साहब, कलेक्टर, विभागीय आयुक्त, अब 2 घंटे सुबह 10 से लेकर अभी तक 12:30 बजे तक हम 2.5 घंटे बैठे थे, काफी समस्याओं के बारे में विचार विनिमय करके हमने मार्ग ढूंढा है। परिस्थिति अच्छी हुई है, नागपुर में ऑक्सीजन की जो एकदम कमी थी वो कमी अब कम हो गया है, और आज मैंने कलेक्टर साहब को ये कहा है कि डॉक्टर लोग अब जितना मांगते हैं, अगर सरप्लस ऑक्सीजन तो सबको सिलेंडर दो। अब घर में भी लोग सिलेंडर में जाकर ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ये संकट जो है इसमें लोगों की जान बचाना हमारा काम है, और हम केवल नागपुर में नहीं तो विदर्भ में, महाराष्ट्र में, देश में, हमें सबकी जान बचानी है, और हमारी ताकत नहीं है वहां तक पहुंचती है। तो हमारे क्षेत्र में जितनी ताकत पहुंचती है उतना हमारे क्षेत्र में और हमारे क्षेत्र के बाहर में भी, और हमारे महापौर जी के नेतृत्व में नगर में बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारे सभी MLA, पालक मंत्री ये भी काम कर रहे हैं। आज काफी बातों के बारे में हमने कलेक्टर, कमिश्नर साहब जो थे उनके साथ बैठ कर निर्णय किए हैं। मैंने कलेक्टर और कमिश्नर साहब को कहा था कि आप आज के मिनट्स तैयार करो, और नितिन राउत और मैंने कहा कि हम आपको साइन कर देते हैं कि आपको जो भी लगता है वो निगोशिएट करके जो भी प्राइस में खरीदना है आप खरीदी करो। आपके निर्णय के साथ पालक मंत्री करके नितिन राउत और मैं आपके पीछे खड़े रहेंगे, और इसके मिनट्स बनाने के लिए भी उनको कहा है ताकि उनको भी मॉरल स्ट्रेंथ मिले, और इसलिए हम लोग लगातार प्रयास करें। इसमें अजय सिंह जी ने हमें पहले से बहुत मदद की है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और आज उन्होंने ये लैब हमारे पास भेजी है। इससे 3,000 लोगों के टेस्ट होते हुए जो प्रेशर मेडिकल कॉलेज में ऊपर पड़ा था वो कम होगा। महाराष्ट्र शासन का भी इसमें सहयोग है, वो 300 रुपये जो फी होगी वो महाराष्ट्र शासन स्पॉन्सर करेगी, और महाराष्ट्र की ये पहली वेल ऐसी हमारे लैब हमको, ये मूविंग लैब, ये ऑन व्हील पर मूविंग लैब हमको पहली मिली है, और इसलिए मैं अजय सिंह जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। एक उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको मैंने 3,000 वो जो कौन सा अपने एयर कॉम्प्रेसर और उसके साथ साथ जो छोटा यूनिट है उसके ऑर्डर दिए, अभी तक 500 मिले हैं। बायोपैक तो वो भी 3,000 का ऑर्डर मैंने अवनी सिंह जी के पास, उनके बेटी के पास कंफर्म किया है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ भी करिए जल्दी से जल्दी ये भी आप भेज दीजिए, मैं पैसे आपके अकाउंट में जमा कर रहा हूँ। पैसे की कोई उसमें अड़चन नहीं आएगी, मेरी जिम्मेदारी रहेगी, पर आप जरूर करिए ताकि जल्दी भेजने के कारण हम विदर्भ के गाँव में बसे हुए हमारे गरीब भाई और बहनों की जान बचा सकेंगे, और इसलिए जरूर वो करेंगे ऐसा विश्वास है। फिर से आज 1,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आ रहे हैं, वो भी भेजेंगे, नागपुर में भी देंगे, और आप सबके सहयोग से भगवान की दुआ हमारे साथ है। पैरे खान जी जैसे लोग बहुत रात दिन मेहनत करके अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इसमें काम करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और महापौर और राधाकृष्णन साहब को विशेष रूप से धन्यवाद देता कि उन्होंने अगर ये निर्णय नहीं माना रहता तो ये नहीं आ पाते, इसलिए उनको महानगर पालिका को भी धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार।